भाई जायरो बड़ा ही प्यारा, मलाई की तरह जमा, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। कैंपर अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम SSG मोबाइल। सो गाइस क्या हाल चाल, एकदम मजे में। फिफा सो भाई इन्फिनिक्स 035G एज स्क्रीन में भाई, कर्व स्क्रीन के साथ ये मोबाइल आया, इन्फिनिक्स की पहली डिवाइस, बहुत ही प्यारी स्पेक्स के साथ एंड बहुत ही ज्यादा प्यारे फीचर्स के साथ। अगर चिपसेट की बात करें भाई, डिमेंसिटी 86 की यहाँ पे हमें चिपसेट देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं इस डिवाइस पे पबजी टेस्ट करने वाला हूँ। पबजी को प्ले करके देखा जाएगा, पबजी के ग्राफिक देखे जाएंगे कि भाई कितने FPS तक ये सपोर्ट करता है, और नेक्स्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि पबजी के हिसाब से कैसी परफॉर्म है। ये नहीं है कि भाई यूं यूं दो चार बंदे मारे और खाई, भाई रियल गेम प्ले आपके सामने यहाँ पे होगा, फुल हैवी वाली गेम प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी अपने गेम पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं भाई, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले और लाइट वेट है काफी ज्यादा, ना कोई मोटा वोटा नहीं इन्होंने बनाया, काफी अच्छी ना फिनिशिंग इन्होंने रखी है। तो पबजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ साथ इसका हम बैटरी ड्रेन टेस्ट भी कर लेंगे भाई। यहाँ पे अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 86% यहाँ पे हमें इसकी बैटरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पबजी को प्ले करते हैं, पबजी प्ले करने में देख लेते हैं कितना टाइम लेता है ये। तो यहाँ पे हमारी जो गेम है वो फाइनली ऑन हो चुकी है। सबसे पहले इसके ग्राफिक देख लेते हैं भाई, ग्राफिक में आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HD के साथ अल्ट्रा और HDR के साथ अल्ट्रा, ओ अल्ट्रा HDR के ऑप्शंस में हमें देखने को नहीं मिलता। वेल काफी ज्यादा हाई किस्म के ग्राफिक यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके अलावा मेन भाई सेंसिटिविटी में आकर हम इसमें देखेंगे जायरो, जायरो ऑलवेज ऑन का ऑप्शन भी हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एक TDM का मैच प्ले करके आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई TDM के हिसाब से इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। हिसाब से 70% जो आइडिया है ना वो आपको TDM में हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहली चीज होगी बुलेट कनेक्टिविटी कि भाई इस डिवाइस की जो बुलेट कनेक्टिविटी है वो कैसी है। सेकंड थिंग डिवाइस की जायरो परफॉर्मेंस कैसी है, आया कि जायरो एक्यूरेट वर्क करता है या नहीं, ऑटो मूवमेंट तो नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस में ये इश्यू हमें देखने को फेस करने को पड़ता है कि भाई जायरो जो है वो ऑटो वर्क कर रहा होता है। क्या मैच प्ले कर लेते हैं भाई, रियल आईडी है ये देख लें भाई, 60+ ही प्लेयर तकरीबन कॉन्कलर के प्लेयर आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे आपके भाई है, ये आपके भाई की आइडिया, अगर कोई भाई खेलना चाहे तो 100 मिला भाई आ जाए, 1v1 खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आपका अपना भाई है भाई, आपकी अपनी गेम है। तो यहाँ पे जो सेटिंग है मैं इसको जरा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ भाई। जायरो बड़ा ही प्यारा, मलाई की तरह जायरो वर्क कर रहा है। अब देखते हैं इसमें जायरो ऑटो मूवमेंट देता कि नहीं, नहीं जायरो ऑटो मूवमेंट का इशू भी इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है थोड़ी सी, वो मैं कर लेता हूँ सेटिंग में, एडवांस कंट्रोल कार निकल देनी है भाई। बुलेट कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है, वो मैंने चेक कर लिया है, बुलेट कनेक्टिविटी अच्छी डिवाइस की और जायरो परफॉर्मेंस भी अच्छा वर्क कर रहा है। यार ये विक्टर वाले ना अल्लाह पूछेगा इनको, गेम की परफॉर्मेंस अभी तक बड़ी VIP आ रही है। ये देखो कैंपर देख रहे हो, देख रहे हो, तीन बंदे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, जगह चेंज करके जाते हैं हम भी। एक ये कैंपर का बच्चा बैठा है देखो, भाई बुलेट कनेक्टिविटी तो डिवाइस की माननी पड़ेगी। यार ये पीछे वाला हमारा बंदा कहाँ गया, यार पीछे वाला कवर ही नहीं दे रहा। वन HP को किया था उस बंदे को, ये देख रहे हो कैंपर, कैंपर देखो कैसे कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। बुलेट कनेक्टिविटी डिवाइस की बहुत अच्छी है यार, बड़ी प्यारी बुलेट कनेक्टिविटी यार डिवाइस की।
अब इसकी डिस्प्ले का देख लो भाई एडवांटेज। ओ ये देखो ये इधर ही बैठा हुआ है। अभी तक जीरो लैग है गेम। पहले इसको पकड़ते हैं फिर आगे जाएंगे। ये देखो डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। इधर आखिरी बंदा निकलो बाहर कैंप्रो। भाई ये थी डिवाइस की परफॉर्मेंस, 86 से 83 आ गए, 3% बैटरी गिरी है, बैटरी इतनी ज्यादा नहीं इसने ड्रेन की। गेम वाइज बात की जाए भाई किल आपके सामने आपके भाई के हुनेस्ट व्यू मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल क्लियरली आपको खेलकर दिखाया। परफॉर्मेंस वाइज बात करूं जीरो लैग, ठीक है, किसी किस्म का इसमें हमें लैग नहीं देखने को मिलता है। जायरो परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्यूरेट इसमें देखने को मिलती है, किसी किस्म का इसमें हमें जायरो में डिले वगैरह या ये वो देखने को नहीं मिला। उसके अलावा जायरो ऑटो मूवमेंट है वो भी इसमें हमें नहीं देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, पबजी के हिसाब से भाई बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है ये। भाई एक बजट मोबाइल है जो आपको ओवरऑल चीजें प्रोवाइड करता है 1,00,000 रुपए में। आपको इसमें गेमिंग भी देखने को मिलती है, प्लस आपको इसमें कैमराज भी देखने को मिलते हैं, प्लस आपको इसमें कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। और क्या क्या चीजें चाहिए मुझे नहीं पता भाई, आप क्या चीजें मांगते हो भाई। मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपए में इससे बेस्ट आपको डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है भाई, 21 GB रैम है, 256 GB की बिल्ट इन मेमोरी है, बिग बैटरी टाइमिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगर है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें प्रोवाइड की है। बहरहाल ये था हमारा आज का रिव्यू और ये थी इसमें पबजी की गेम प्ले। नेक्स्ट अगर आप इसका पबजी का कंप्लीट गेम प्ले यानी कि बड़ी गेम प्ले चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।